नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो 1000 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस क्वेश्चंस एंड आंसर इन हिंदी से संबंधित है। इस वीडियो में हम आपको साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर बताने जा रहे हैं, जो कि आने वाली सभी वन डे एग्जाम्स जैसे RRB, SSC, UPPCS, BPSC, सक्षमता परीक्षा 2024 व अन्य एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? विटामिन सी। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो KCl MgCl2 6H2O। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? सीसा। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। स्टेनलेस स्टील किस धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? क्रोमियम, लोहा और निकेल। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है, इसका सही उत्तर है लैक्टोबेसिलस, यानी बैक्टीरियम लैक्टोबेसिलस, यानी लैक्टोबेसिलस के जीवाणु के कारण ही दूध से दही बन पाता है। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? शर्करा यानी शुगर की। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? सही उत्तर है पास्कल के नियम के आधार पर। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्न बर्ग ने। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। भोपाल गैस दुर्घटना में मिक का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी CH3NCO। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिटिकम एस्टिकम तथा टिटिकम वल्गेयर। ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? पौधों की रेखीय वृद्धि दर। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र FeSO4 7H2O है। कैलोमेल का रासायनिक नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड। हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉन। भारी जल क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ट्रैकोना रोग किस अंग से संबंधित रोग है? आंख से। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? पीलिया। एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? उत्तर है AB तथा O रक्त समूह के व्यक्ति से। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किस तत्वों की कमी होती है? आयरन एवं कॉपर की। सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? मूंगफली में दानों का प्रतिशत।
विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो यह है हॉट बुलगर। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है? सानेन। हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? ढलवा लोहे का। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? लगभग 90 कैलोरी। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है हीमोग्लोबिन। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? अमाशय से। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? डार्विन ने। प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में। डीपीटी का टीका बच्चों को किस रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो उत्तर है टिटनेस, डिप्थीरिया तथा हूपिंग कफ। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो 0.8 सेकेंड। मछलियों में श्वसन हेतु अंग है क्लोम यानी गिल्स, जिसे हम गलफड़ भी बोलते हैं। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वान लुई वेन हॉक ने। विज्ञान की शाखा एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घास का। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? कोलन में, बैक्टीरिया द्वारा। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? बच्चों के रोगों से, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग। रक्त में किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज की कमी से। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? सापेक्षिक आर्द्रता। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? आपेक्षिक घनत्व। रेड लैंड का रासायनिक सूत्र है Pb3O4। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज। किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहते हैं? पायराइट को। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है बुखार कम करने के लिए। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोरासायनिक रूप में क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी। नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? कार्निया का। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? नियासिन की कमी के कारण। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। खसरा होने का कारक क्या है? वायरस। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? 24%। नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन थे? कारो थर्स 1937 में। रूटाइल किस धातु का अयस्क है? टिटेनियम। लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? लिथार्ज। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? कोलाबा महाराष्ट्र। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।